लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। जनपद फिरोजाबाद के SRK इंटर कॉलेज में ब्राइटर माइंड्स की टीचर ने बच्चों को माइंड ट्रेनिंग के माध्यम से किया उत्सर्जित, जिसमें बेंगलुरु से आई ब्राइटर माइंड संचालिका इला गुप्ता रही मौजूद। इला गुप्ता ने बताया कि ब्राइटर माइंड्स के छात्रों ने आंखों पर पट्टी बांधकर किताबें पढ़ने की अद्भुत कला दिखाई, कि रंग बिरंगी गेंदों को भी बिना देखे उनका कलर बताया। और उन्होंने कहा कि उनकी क्षमताओं, कल्पना शक्ति, अवलोकन की भावना को बढ़ाने में मदद करता है और उसे केंद्रित रखता है। यह प्रक्रिया मानसिक शक्ति को बढ़ाती है, जिसमें एक बच्चे ने अपने माइंड से एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का प्रयोग करके उसे माइंड से चलाकर दिखाया और इससे माइंड का व्यायाम भी चलता रहता है। एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है हर वस्तु की। जैसे आपने पूछा कि हम कैसे बता सकते हैं बच्चे कि किस कलर की बॉल है, क्या लिखा हुआ है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपके शरीर के ऊपर, आपके हाथ के ऊपर कोई गर्म आयरन की रॉड या प्लेट रखी हुई है जो बहुत गर्म है, आपके शरीर से टच नहीं कर रही है लेकिन आपको गर्मी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आपके सेंसेस बता रहे हैं। उसके लिए आपकी आंखों की जरूरत नहीं है कि आपको वो गर्म रॉड दिख रही है नहीं दिख रही है। आपकी बॉडी में ऐसे हर तरह के सब्स्टिट्यूट जो है वो आपको बताते हैं। कोई भी वस्तु जिसका कोई कलर, जैसे बच्चे बता दिया कि इस बॉल का कलर पीला है या नीला है, उस कलर की फ्रीक्वेंसी को बच्चे का मस्तिष्क, बच्चे का दिमाग वो रीड करता है, तब वो बच्चा बताता है कि ये किस कलर की बॉल है या इस नोटबुक पे क्या लिखा हुआ है या कौन से डिजाइन किया, क्या शेप बनी हुई। इस तरह से हम बच्चों की जो क्रिएटिव एक्सरसाइजेस हैं, जो ब्रेन की एक्सरसाइजेस हैं, पहले हम वो कराते हैं। बच्चों को हम काफ़ी थकाते हैं, उनकी काफ़ी फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं, उसके बाद हम बच्चों को रिलैक्स करते हैं और एक रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनाया जाता है। आपका इला गुप्ता नाम है मेरा, बैंगलोर से, ब्राइटर माइंड्स बैंगलोर की टीम से हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने सोचा कि बच्चों को कुछ मैं कराती हूँ उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनके होल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ताकि उनकी पढ़ाई में उनको हेल्प रहे और जब वो पढ़ें तो फोकस्ड रहें, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़े। तो उसमें हमने उनको कुछ ब्रेन एक्सरसाइज सिखाई और उनको आँख पे पट्टी बांध के ब्लाइंड फोल्ड करके वो कलर बता सकते हैं, वो किसी भी किताब पे हाथ रख के बता सकते हैं कि ये कैसा, इसमें किसका, इस पे लिखा क्या है, इसके अंदर कंटेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें उनकी पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं और उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाएंगी। जो बच्चा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है उसका डिस्ट्रैक्शन लेवल कम होगा, पढ़ाई पे ध्यान देगा और उसके होल ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ उसको हमने मेडिटेशन भी कराया इसमें, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी, उनके फायदे के लिए। अभी जो बच्चों ने आंखों पर पट्टी बांध के जो कलर बताए थे, ये किस तरीके से सिखाया जाता है और कितने दिन में बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं आपके? ये यहाँ पे मैंने 8 दिन में कराया है और ये इसके लिए हमारे पास एक म्यूजिक है जिसमें राग हैं कुछ, जो हमारे दिमाग पे काम करते हैं, हमारे ब्रेन के लिए अच्छे हैं। तो ये उनको हमने वो राग सुनाए हैं, उनके साथ ब्रेन एक्सरसाइज उनको सिखाई हैं और फिर उन्होंने पट्टी बांध के इस चीज़ को किया। और ये कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई जादू नहीं है ये, लेकिन बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ में वो ये चीज़ कर सकते। We're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. We don't teach extraordinarily, but we teach ordinary things extraordinarily well.